दोनों खुल गए हैं, एक खुला है, दोनों दोनों एक खुला है, ये दोनों वहाँ बंद है। पर मुर्ग तो हो गया, इसने रस्सी तोड़नी सीख ली आजकल। बिल भेज देंगे आगे विक्की होता तो विक्की तो खुद ही पकड़ना चाहता है इसको। फिर रेस्क्यू में पकड़ लेंगे, हम पकड़ लेंगे आगे सारे लोग। तू आ जा आ आ, लेकिन हम इसको गलत ट्रेन कर रहे हैं कि तू तोड़ के भाग गया तेरे को केले मिलेंगे। ये और रांझा दोनों ही खुल गए थे, और दिनेश था मेरे, मैं तो था नहीं। दिनेश को बताओ कैसी लड़ाई हुई, क्या हुआ दिनेश भैया? ये इनके साथ उसके साथ लड़ रहा, वो जो अभी अंदर किया ना हमने आँख वाला, अभी यंग बॉय है ये, 2 साल का जून में होगा। मेरे फ्रेंड ने तो भेजा है, उन्होंने ही छोड़ा, उन्होंने 2 जून में आया था कौन सा जून में, मैंने कहा उनके सामने ही बड़ा हुआ है, मैंने कहा 5-6 साल का, तो वही कहता है कि मारता नहीं है यार, ये डरता बहुत है। संजय जी आसपास कोई खड़े रहता मैं पट से मारता है अचानक ही ना। नहीं मैं नहीं कह रहा कि मेरा बैल है, जो उसने कहा है, पर ये देखने में इतना बड़ा था। और आप बोलू राम, आपको जिसने जो कहा मांग गया, आप मुझे चरा रहे हो है ना। मार तो नहीं हुई देखो, मारता नहीं है, अगर ये देखो मारने वाला होता ना तो आपको 1 मिनट खड़ा नहीं होना पड़ता। वो नहीं मारता पर हमें लग जाती है, फिर हमारी लैंग्वेज में वो हो रहा है। एक होता है मारने वाला बैल जो कि खुंद की बैल है, उसकी बात नहीं कर रही, खुंद की बैल नहीं है, पर ये फिर भी डर के मारे ही सही मार तो सकता है ना। हमें तो अपने खुद डर लगता है इतने बड़े से। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ केसर, जिससे हमने सोचा था कि हम लाखों रुपए कमा के अपनी फंडिंग कर लेंगे। ये तो अच्छा है, हमें ये बीज जो है गिफ्ट मिले थे, हमने मोल नहीं खरीदे थे, क्योंकि ये है सुमन का फूल, जिसे अमेरिकन केसर कह के किसानों को बेचा जा रहा है, क्योंकि जो इसके ये है ना पंखुड़ियाँ, ये बिल्कुल सूख के केसर जैसी हो जाती हैं। अब इसका बीज 15-20 रुपये किलो है सारा, लेकिन किसान को 40,000 रुपये किलो में बेच रहे हैं, और इसकी पत्तियाँ भी सुखा के अगर बताओ ना कि सुमन का फूल है तो 15-20 रुपये किलो बिकती है, लेकिन केसर जो 1.5-2 लाख रुपये किलो है उसमें मिला के बेचो तो देख लो। हम बेचेंगे नहीं ना इसको। नहीं यार 420 ही थोड़ा करनी है, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं हमारे पास। सैटरडे को डॉक्टर भी एक होते हैं, एक कल शाम को डॉग आया था। इस डॉग को सरा से एक लोकल वहाँ से लेकर आए थे, और उसको जो भी सिम्टम्स थे वो केनाइन डिस्टेम्पर की तरफ इशारा कर रहे थे ना, इस वजह से हमने इसे बाहर रखा हुआ था, और अगले दिन साहिल उसको लेने आए थे। लेके कहाँ जा रहे हो साहिल भाई आप इसको? ये जहाँ लोकेशन है ना वहीं पे इसको फ्लूइड चढ़ाएंगे ना, और वहीं रिलीज कर देंगे, वहीं पर ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि इसको कोई वायरल डिजीज हो सकती है ना, तो शेल्टर पे रखना सेफ नहीं है, बाकी डॉग्स को भी हो जाएगा। ओ बस 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 कुछ नहीं कुछ नहीं, बुलाओ डॉक्टर को, बुलाओ एक बार। ये तो बहुत ही फूक कर रहा है, पैनिक कर रहा है। अरे खत्म है रे खून इसका तो, ठंडे में क्या पूरा क्या क्या खून खत्म है, देखो पूरा वाइट हो रखा है। Yeah, this is most likely distemper, so for me, I would. ठीक है, हो गया अच्छे से पूरा वो एरिया, ब्लीच का पानी डाल के रोड पे भी डाल दिया। नहीं अब अभिलाष को ना अच्छे से सब वो, अभिलाष आप अंदर जाने से पहले, क्योंकि अभिलाष मोस्टली डॉग्स के साथ कांटेक्ट में रहते हैं ना। ज्योति ने अभी बताया कि वो डॉग नहीं बचा, ऑलरेडी इतने यहाँ पे केसेस चल रहे हैं। हम दूषण कर रहे हैं ना इसके ये टाइनी के पीछे, क्योंकि जब प्लेसेंटा है अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, तो अंदर अच्छी क्लीनिंग के लिए और ज़्यादा बेटर तो डॉक्टर ही मानती है एक्सप्लेन। इसे तो कल करा था मैंने शूट में। अभी हम बैक्टीरियल की विटामिन सॉल्यूशन डालेंगे इसके वजाइनल एरिया में, ताकि सारा जो भी यहाँ पे नेक्रोटिक मटेरियल है, कोई भी डेब्रिस है, वो सारा फ्लश आउट हो जाए एक बार। हमारे देश में जैसे मारुति गाड़ी हर जगह दिखती है, 100 मारुति गाड़ी पे एक मैकेनिक होगा, 100 गायों पे डॉक्टर नहीं है, एक नहीं है ना। कितनी बड़ी बात बोल दी, ये सोचा भी नहीं होगा किसी ने ऐसा। इसका केस ना इसलिए ख़राब हो गया, एक तो देखो ये देसी गाय है, जीबू जिसे कहते हैं हम, तो और ये जो जर्सी वगैरह वाले छोड़ रखे होते हैं इन्होंने सांड, उससे क्रॉस कर गई, तो इसका बच्चा बड़ा है तो वो तो फंसना ही था, लेकिन वो सिजेरियन करके सी सेक्शन करके निकाल सकते थे, पर अब जिसने भी जिसको भी बुलाया उन्होंने, उसने हुक वुक डाल के जिस तरह निकाला ना, मतलब अच्छा करने के चक्कर में वो थोड़ा ज़्यादा गलत कर गए। कल प्रंटी ने फ़ोन किया था ना, एक डॉग ने अभी बच्चे दिए थे ना, उसके डिजाइन में मतलब फट गई है पूरी वूंड है, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, पिटबुल है डॉग, किसने अबैंडन किया डॉग ने। बच्चे बच्चे हैं ना।
इसने छोड़ दी थी ना यहाँ पे आके, इसने बच्चे पैदा कर दिए ना, उसी के बाद इसकी मेरे को ये जगह जो अच्छी नहीं लगी, मैंने सोचा कीड़े पड़ गए। हो गया मेरे जान। इसका कुछ नाम रखा आपने? लिप्सी। एक सेकंड। मुझे पता बाबा, एक कप पानी है, तो एक वजाइनल टियर अंदर का बहुत ज़्यादा है और सारे वाले इन्फेक्टेड हैं, तो थोड़ा थोड़ा खराब। गुड गुड गुड। हाँ जी हाँ जी, देखो आप। हाँ लगा हुआ ये वाला। हाँ हाँ, अच्छा। कीड़े पड़ गए थे इसमें? नहीं, कीड़े तो अभी तक तो कीड़े नहीं पड़े थे ना। ओके मामा। पर ये जैसे पानी निकलता था और खून भी निकलता था, तो ये काटती थी ना खुद उसी हिसाब से ना। खाने में आप दुबई खिला दोगे ना इसको? हाँ जी। अगर नहीं खाएगी तो आप हमें कल बता देना। ओके मामा। बस सब ठीक? बैठ जा। जैसे बच्चों को या हमको एडमिट करते वैसे तो नहीं करनी पड़ेगी ना? बायोप्सी के लिए सैंपल लेना है ना, तो बायोप्सी के लिए जो सैंपल जाएगा वो मसल के नीचे वाला पोर्शन होगा ना, अब उसको भेजना पड़ेगा ताकि हम कंफर्म कर सकें कि उसे कैंसर है या नहीं। तो सर्जरी एज इन वही हो रहा है कि हम सैंपल निकाल रहे हैं फिर उसके सूचर करेंगे। सर रेडी हो? हाँ। मेरे ख्याल से 2 मिनट टाइम दे दो उसको, उधर मूव कर लेंगे बाहर से। विक्रम का भी हम सेडेट कर रहे हैं क्या? हाँ जी, विक्रम थोड़ा अग्रेसिव है। एक सेडेशन के साथ हम एक बार चेक करेंगे कि सारे टिश्यू हील्ड हुए, इन्फेक्शन कुछ नहीं, और बाद में हम रिलीज करेंगे। उसका घाव बहुत अच्छा हीलिंग हुए, होपफुली 2-3 दिन और ट्रीटमेंट के लिए oral in the feet or bad me free। आपने इसको सजा दे रखी है क्या कोई? मुझे पता नहीं इसको है, मुझे ये खास एक दिन के लिए हमारे साथ वॉलंटियर करना है फरीदाबाद से। आप एचएचए ग्रुप से जुड़े हुए हो ना? एचएचए ग्रुप से जुड़े हुए हैं। बालों को कलर किया है, शेड क्लॉथ की जैसे कुछ लग रहा है। कलर नहीं किया, हल्का सा ब्राउन। साहिल का ना बैकअप मॉडलिंग करके रेडी है कि भाई कभी थक गया यहाँ से तो भाई। देखो मॉडलिंग का ऑफर आता है तो तू ये छोड़ के चला जाएगा क्यों? कैमरा मुझे लगा था कहेगा कि नहीं मैं मतलब मैं जानवरों से मेरे को लगाव है। कैमरे का डर के जैसे आप है। दबंग बकरे, दबंग मुर्गे, आज पता ही नहीं मस्त लड़ाई हुई इनकी। लड़ लो तुम दोनों ही, लड़ लो आपस में। तू जीतेगा। ये क्या बात है चूचू, सबने बोली लगाई थी। बोली लगाई थी? क्या मतलब बोली लगाई थी? मतलब कि चूचू जीतेगा, अमरू जीतेगा। सट्टा लगाया है। बोली होता है कि तुम ऑक्शन कर रहे हो। हाँ मतलब उसको क्या ऑक्शन करोगे, इनका तो किलो के हिसाब से भाव तय हो रखा है। जब मैं कभी कुछ ऐसा बोलता हूँ ना इन लोगों के लिए जो खुद अपने लिए बोल नहीं सकते, तो कई लोग कहते हैं कि भाई हमें गिल्टी मत फील कराओ। अब गिल्टी मैं थोड़ा ना आपको फील करा रहा हूँ, गिल्टी आप खुद फील कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि जो आपके एक्शंस हैं
और जो आपके बिलीफ हैं वो दोनों लाइन अप नहीं कर रहे। हाय श्वेता, हाय बच्चा, आ जा नहीं हम कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, वहां से बात नहीं की जाएगी तुम्हें से भी। ओके ओहो आप पीछे हो जाओ थोड़ा सा, वो चिकन तो थोड़ा सा वो जेल 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 टाइप कर रही है कुछ। मैंने बोला है ना कर रही है, मैंने नोटिस किया है, ये काम है मेरा। ओके श्वेता ओके बस बस। अरे किससे इसके लिए चेक कर रहे हो श्वेता को? इसको लूज मोशंस हुए हैं, जिलेटिनस मतलब मेकॉइड फीसेस थी, लेस लेसदार टेंपरेचर तो है 108.1 है, वैसे भी काली है। एक सेकेंड श्वेती डिहाइड्रेशन देखते हैं एक बार। ओए फीवर है, थोड़ी डिहाइड्रेशन है, तो ओरल रिहाइड्रेशन करेंगे, फीवर के लिए हम एंटीबायोटिक्स देंगे। तो दूसरे मुर्गों के साथ रख सकते हैं या नहीं रख सकते? नहीं तो नहीं रखना चाहिए, पीछे गीता रहती है तो उधर लेके नहीं जा सकते। गीता को इन्फेक्शन है, गीता के साथ सीता भी आई थी, सीता तो बची नहीं थी। गीता का इन्फेक्शन ठीक हो गया लेकिन 14 डेज का हमें टाइम रखना पड़ेगा क्वारंटीन का, तो वो अलग है। मुर्गे ही मुर्गे हो गए हैं, मतलब फिर लोग कहेंगे कि हम जब चिकन नहीं खाते इसीलिए मुर्गे हो जाते हैं, वो मुर्गे अलग होते हैं, वो ब्रीड किए हुए मुर्गे होते हैं। नहीं मिली थी मुझे ये, आज मिल गई, आज इसका बच्चू भी बड़ा हो गया है और यहाँ पे किसी और माँ ने भी एक बछड़ा दे रखा है। इसके भी देखो एकदम जो है थन सूज रखे हैं ना, तो ये भी अभी पैदा हुआ होगा। अब ये दो माएँ इकट्ठी हो गई हैं, ये पीछे इनका पूरा गैंग है। मैं इसीलिए नहीं ले जाना चाहता था भाई, यहाँ पे चलो इनका एक ग्रुप में एडजस्टेड तो हैं। अब मैं इसको स्प्रे लगा देता हूँ। हाँ जी स्प्रे तो लगाने दे, कुछ नहीं कह रहा मैं तेरे को। मेसी ऑलरेडी रिलीज हो गए क्या? हाँ जी मेसी हमारे पास 3 महीना रहा है लगभग, और जब आया था तो उसके फ्रंट लेग में एक वायर ट्रैप की वजह से इंजरी हुई थी। इंजरी बहुत ज़्यादा नहीं थी लेकिन नर्व डैमेज था, इस वजह से उसका जो फ्रंट लेग का सेंसेस चला गया था, तो इसकी वजह से एम्पिटेशन हुई थी। एम्पिटेशन सर्जरी अच्छे से हुई, सक्सेसफुल था सब कुछ, लेकिन जो उसका दूसरा पैर है फ्रंट लेग वाला उसमें ना वो थोड़ा सा वेट बर्डन नहीं ले पा रहा था शरीर का और वो थोड़ा टेढ़ा होने लग रहा था, तो हमने उसको एम्पिटेशन पोस्ट ऑप केयर के साथ साथ फिजियोथेरेपी भी शुरू कर दी थी, और एंड तक में जब तक उसका एम्पिटेशन वाला साइट हील हुआ फिजियोथेरेपी का भी बहुत असर हुआ। कैल्शियम सप्लीमेंट हम उसे दे रहे थे बोन स्ट्रेंथ के लिए, तो सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव वे में वर्क करी और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, और उसके बाद में हमने उसको रिलीज किया। आप लोगों के लिए कुछ प्रोडक्ट्स आए हैं? वो अरा कुणाल जी है वो पीछे तेज दरा दो। ये ग्रीन स्क्रीन है, इस पे एक क्लिक में पीछे का बैकग्राउंड पूरा हट सकता है। सही बता, हरियाणा दिखा दे एक बार। देख ले भाई सही, पेरिस दिखाइए वो भी देख ले। क्या बात है, बाहर तो ले चल भरोसा ही तो बोल, हेल्प तो करेगा। A few moments later. आखिरी समाधान क्या है? जो रास्ता से ढूंढ लिया इसको फोल्ड करने का, बट हर बार ओपन करेंगे क्लोज करेंगे टाइम टेकिंग बहुत, हम इसको ओपन ही रख रहे हैं। अब तो सच बोल दे यार, इतना बड़ा छतरा उधर रखा है वो। विक्की भाई क्या रखे हैं उधर? ग्रीन स्क्रीन। आप तो बोल रहे थे कि फोल्ड हो गया है भाई, तो कह रही उधर छतरा रख के चले आ रहे। हमारी मीडिया टीम आपसे कुछ कहना चाहती है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।